सारयां नूं सति श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा पंजाबी वेज मसाला विच। अज मैं तुहाडे वास्ते कोई रेसिपीज़ की वीडियो लैके नहीं आई हाँ। मेरियां कुछ भैणां कुछ टाइम तो काफ़ी कमेंट्स कर रही सी कि तुसीं अपनी किचन दिखाओ, तो इस करके उन्होंने कहन पर अज मैं किचन टूर की वीडियो लैके आई हाँ तुहाडे वास्ते। तो आओ हुण चलते हैं किचन च, मेरे नाल आओ जी। सब तो पहला मैं तुहानूं अपना चुल्हा विखावांगी। यह चार बर्नर वाला चुल्हा है जी, जिदे उत्ते मैं वधिया वधिया रेसिपीज़ बना के तुहाडे नाल शेयर करदी हाँ, वीडियो शेयर करदी हाँ। तो मैनूं बहुत खुशी है कि तुसीं उहनूं बहुत पसंद भी करदे हो मेरी रेसिपीज़ नूं। ते चुल्हे दे उपर चिमनी लगी हुई है जी, ते चिमनी दे राइट साइड ते इत्थे मैं तुहानूं विखानी हाँ कि मैं कुछ अचार रखे हुए ने, अंब दा, नींबू दा, आंवले दा। कुछ अचार खाते गए ने ते कुछ हैगे ने, जदों मुक जाणगे ते होर पा लवांगे। ते उपर कॉफ़ी दे मग पए ने, आइसक्रीम बॉल्स वगैरह, इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा समान सैट करके रखिया होया। तो इधर वेखो जी, एक स्टैंड है कॉर्नर, ये उत्ते चीनी, चाह पत्ती, कॉफ़ी सब समान रखे हुआ है। तो थले है जरा ये नमकदानी है, ये मैं नमक रखिया होया। तो यह ब्लेंडर है, नाल कॉफ़ी वगैरह ब्लेंड कर ली दी है, बीट कर ली दी है, वधिया हो जाती है। तो छोटी छोटी किलियां जी लगाई हुई ने, छोटा छोटा समान जिमें कैंची होगी, चाकू वगैरह हो गए, छेती लभ जाते हैं, ये टंग दे। एक बास्केट जी, टोकरी जी रखी हुई है, जिदे मैं टिशू पेपर रखे हुए हैं। कुछ रफ ने, कुछ वधिया वाले ने, जड़े रफ ने वह रफ काम वास्ते यूज़ कर लेते हैं। तो यह दो छोटे छोटे आर्टिफिशियल प्लांट्स ने जी, इनू तुसीं अक्सर मेरी वीडियोज़ वेख्या होगा, मैं वीडियो शूट करन लग्या इन्हां नूं रखदी हुंदी आ। तो वेखो जी, चिमनी के राइट साइड पर इत्थे मैं रखे हुए ने ओट्स, दलिया, नमक और उपर कुछ ड्राई फ्रूट्स के डब्बे ने, जिदे विच बदाम, किशमिश, इलायची, पिस्ता, अखरोट की गिरी, काजू वगैरह, यह सारा समान रखा हुआ है। तो ये नाल ही एक है ओपन एरिया है, इतने कबोर्ड नहीं बने हुए, ये मैं सारे मसाले रखे हुए हैं, साबत मसाले होंगे ने, जोड़े धनिया, जीरा वगैरह, चिया सीड्स, मेथरे, सौंफ, राई वगैरह, जो आप यूज होंगे ने घर में समान, वो सारे। तो उपर ने व्डे डब्बे जिन्हों के राजमा, पोहा, चौल, दाल वगैरह, सेविया, सब कुछ मैं स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये नाल ही इतने पे ने जी छोटे डब्बे किलो किलो के, जिदे मैं सारिया दालां, छोले, राजमा सब पा के रखे हुए हैं। तो साढ़े घर में ना जी दाल ज़्यादा खाधी जाती है, वह छेती खत्म हो जाती है, जिमें कि मूंगी मसरी की, मूंगी साबत हो गई, यह ज़्यादा खाधी जाए। तो उपर छोटे डब्बे ने जिन्हों के घर का ही समान सारा रख्या हो, मूंगफली, इमली, गुड़, शक्कर, यह सारा समान ये भर के रख्या होया है। तो वेखो जी, इतने पे ने चॉपर, मिक्सी, मिक्सियां दे जग, सारिया मिक्सियां दे जग मैं इत्थे सैट करके रखे हुए ने। ते उपर पए ने कप, मग, कॉफ़ी पीन वाले, कोल्ड कॉफ़ी वास्ते वड्डे मग पए हुए ने, ते बच्चियां नूं जिहड़े चंगे लगदे ने उहदे विच चाह, कॉफ़ी, दुद्ध पी लैंदे ने। ते वेखो जी, इत्थे रखे हुए ने मैं कुछ कच्च दे भांडे, जिवें गिलास, कौलियां, छोटे छोटे गिलास, प्लेटां, बाउल होंदे ने जिवें कच्च दे, उह सब मैं इहदे अंदर रखे हुए ने। तो डिनर सैट मैं हजे इतने नहीं रख्या होया, किसी भी कबोर्ड नहीं रख्या होया, क्योंकि हजे असं सानू शिफ्ट होए नूं इतने सिर्फ दो ढाई महीने ही होए ने। तो जिहड़े डिनर सैट और भांडे ने ना, वह सारे उपर कबोर्ड बने हुए हैं, इन्हां विच हजे पैक ही पए हुए ने। बहुत सारा समान आ जाता है कबोर्ड के विच, जिहड़े उपर बने ने ना किचन विच, बहुत सारे और गहरे गहरे, खूब डूंगे डूंगे दराज ने, इन्हां दे विच काफ़ी समान स्टोर हो जाता है। तो यह जिहड़ी जगह है ना, यह गीजर की और एक्वागार्ड की है जी। तो इतने अजे असी लगवाया नहीं है, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया कि सानूं हजे दो ढाई महीने ही होए ने इत्थे आया नूं, ते इहनूं हुण असी कुछ ही दिनां विच छेती ही लगवा लवांगे। तो यह है शिंक, तो यह बड़ी दिक्कत है जिहड़ी कि शिंक इक्को ही है, इत्थे भांडे मांजने बड़े औखे हो जांदे ने। तो इहदे विच मैनेज करके करीदा है कम, तां ते मांज मांज के ना इस टोकरी दे विच रख लईदा, इत्थे भांडे सुक जांदे ने। तो यह स्पून स्टैंड है जी, इहदे विच गिले चम्मच रख लईदे ने जदों सुक जांदे ने, ते इहनां नूं फिर मैं दराज दे विच रख लैंदी हां। तो यह टैप नलका, ये ना पानी बड़ी तेज़ आता है, आ देखो ये मौज है कि पानी बहुत तेज़ आता है, इस करके मैं इतने कपड़ा बनया हो, जो नहीं बनी है ना तो पानी बहुत खिलर जाता है, प्रैशर बहुत ज़्यादा है ना इस करके। तो इतने किचन के ही ना दीवार के मैं एक भांडे का छोटा जहा स्टैंड लगवाया होया है, ये छोटे छोटे भांडे रख लें, जो भांडे मांज के सुक जाते हैं ना, तो फिर ये सैट करके रख दें। तो एवें शिंक के थले जी जगह होंगी है ना, तो ये मैं कपड़े धोन तो वाला और भांडे मांजन वाला, यानी कि भांडे धोन तो वाला सारा समान अरेंज करके रखा हुआ है। तो जिमें कूचे हो गए भांडे मांजन वाले, लिक्विड सोप हो गया, बाकी एक्सट्रा साबण वगैरह, जो भी समान एक्सट्रा होंगे वह इतने रख्या हुआ मैनेज करके। तो
तो एवं जी एक छोटा जहा खाना मसालिया वास्ते जिदे विच मैं थले ते रखिया हुई ने तेल दियां बोतलां वगैरह ते उपर छोटिया छोटिया डब्बिया ने जिन्हां विच मैं समान रख्या हुआ छोटा छोटा वीडियो वास्ते ना छोटी छोटी चीज़ां दी थोड़ी थोड़ी चीज़ों की बहुत लोड़ पैंदी है जिवें चिली फ्लेक्स हो गए इलायची पाउडर वगैरह हो गया सौंफ का पाउडर हो गया ये सारे पीस के ना मसाले मैं ये रखे हुए ने तो किचन के ना वे वे खाने बने हुए हैं वे वे दराज इन भांडे रखे हुए हैं मैं जो भांडे सुक जाते हैं तो फिर मैं ये रख दिन हाँ तो एक है वाला भी है जी ये भी भांडे रखे हुए हैं आ प्लेटा का स्टैंड है प्लेटा सुकन तो बाद टिका के रख दिनी हाँ मैं तो जोड़े भांडे तो रोज़ यूज़ होंगे ने तो मैं टोकरे ला के स्टैंड लगा दिनी हाँ तो जोड़े घट यूज़ होंगे ने फिर दराजा में रख दिनी हाँ सुकन तो बाद तो इत्थे रखे हुए ने जी मैं वड्डे वड्डे भांडे जिमें कि कुकर कढ़ाइया वड्डे पतीले सारे ये अंदर टिकाए हुए हैं तो नाले ये साइड ते मैं छोटे छोटे दे क्लिप्स ला के ना ये ते कड़छियां वगैरह चिमटे टंगे हुए हैं एक तो जगह यूज़ हो जाती है तो दराज बोते भर देनी है तो नाले जड़े तो रोज़ यूज़ होंगे ने तो सामने रखी देने तो जड़े कभी कभी कड़छियां यूज़ होंगे ने मैं इतने साइड से टंग दित्तियां ने तो इस तरह ही इत्थे भी साइड से क्लिप ला के ना मैं चाह वाली पौनिया रखी हुई ने बहुत सोने अच्छी तरह ना इत्थे टिक जांदियां ने ते नाले ए वाला जड़ा खाना है ना अपना समान रखने वास्ते है प्लास्टिक का प्लास्टिक दियाँ टोकरियाँ फॉयल पेपर वगैरह और छाननियाँ वगैरह सब मैं ये रखी हुई ने टिका के अच्छी तरह तो यह दराज बनया हुआ है जी कड़छियाँ चिमचे चाकू वगैरह रखने वास्ते जो सुक जाते हैं तो फिर मैं ये टिका के रख दिनी हाँ तो इस तरह ही यह भी यही मतलब चिमचिया कड़छियों वास्ते या स्टैंड पौनिया वगैरह रखने वास्ते यह भी इस तरह ये अंदर टकई हुई ने एक यह जरा खाना है ना जी दराज ये है खाण पीन के समान का निक्कड़ सुक्कड़ सारा ये रख्या होया जो भुख लगती है उदो फटाफट कढ़ के चाह नाल खा लीदा यानी कि छोटी जी भुख वास्ते थोड़ा थोड़ा समान ये रख्या होया मैगी होगी बिस्किट हो गए तो जो बिस्किट वगैरह के पैकेट खुल जाते हैं तो फिर इस तरह क्लिप ला के बंद करके रख लें तो या फिर इस तरह प्लास्टिक के डब्बों में स्टोर करके रख लेता है एयरटाइट डब्बों के फिर वो सिलते नहीं है ना ठीक रहते हैं इस तरह इन्हों मैं समान इतने रख लें तो ये रखा हुआ जी गैस सिलेंडर हूँ मैं तुम्हें किचन की सब तो वधिया चीज़ विखाण लगी हाँ वो है मटका बहुत ही वधिया पानी होंगे जी तो एकदम ठंडा शीतल जल कह होंगे जिन्हों वो है बहुत ही मज़ा आ जाता है पानी पी के तो नाले घड़े का पानी आप सारे जानते हैं कि वधिया होंगे सेहत वास्ते हैल्दी होंगे है। तो जोड़ा फ्रिज का पानी है ना वो वधिया तो लगता है जो गर्मी होंगी ठंडा ठंडा पीन च पर वो हैल्दी नहीं होंगे तो इस करके मैं तुम्हें यही सुजैसट करांगी कि तुसी भी घड़े का पानी मटके का पानी ही पिया करो तो एवे जी आटे वाला ड्रम आटे वाली पुआली आप कहने ना इनू ये आटा रख्या होया तो मेरी किचन में ना ऐसी कोई भी इन्नी वड्डी जगह नहीं हैगी कि जिदे अंदर इनू मैं रख सकाँ मतलब कि इनू अंदर रख सकाँ इस करके मैं इनू बाहर ही रख्या होया तो स्टोरेज डब्बे ने साडे घर ना सारिआं नू ना भेल खाण दा बहुत शौक है तो मैं इस तरह फुलियां लिया के रखी हुई ने तो इन्हां नू रोस्ट कर लईदा तो नमकीन मिक्स करके घर ही भेल बना लईदी है बहुत ही वधिया बनती है तो एक है होर स्टोरेज डब्बा है जो डब्बे वगैरह भर जाते हैं तो मैं इस तरह क्लिप लगा के ना समान रख लें जिमें गुड़ शक्कर है चौल ने चीनी है तो इस तरह क्लिप ला के रख लो ना तो ये ही रख लें तो उस तो बाद जो डब्बे खाली होंगे ने तो वो फिर तो वापस भर लें तो इस कोने में मैं रखे हुआ है जी ऑयल रिफाइंड ऑयल घ्यो तो नारियल का तेल तो मेरे घर में ना ज़्यादातर नारियल के तेल का इस्तेमाल होंगे यदि वरतों असी करी दी है तो घ्यो भी मेरा घर का बनाया हुआ है गां का दुध लईदा है तो इस करके देखो जी बहुत ही वधिया प्योर घ्यो है गां का तुसी देख भी रहे हो और इन्ना स्वाद होंगे ना घ्यो बहुत ही वधिया तो एवे जी रोस्ट की हुई सूजी वो की है ना कि मेरे घर में सूजी की बहुत ज़्यादा वरतों होंगी है सवेरे नाश्ते उपमा भी बनता है सूजी के पूड़े भी बनते हैं तो मैं की करती हाँ कि काफ़ी सारी सूजी लिया के ना उन्होंने हल्की जी रोस्ट करके रख लें वो की होंगे ये सूडिया सुसरिया वगैरह नहीं पैदा छेती इनू चाहो तो तुम रोस्ट करके फ्रिज में भी रख सकते हो या इस तरह रख लो ना तो काफ़ी टाइम तक काफ़ी लंबे टाइम तक यह टिकी रहती है तो एवे जी फ्रिज ए तीन डोर वाला फ्रिज है ए सब तो उपरला खाना है जिन्होंने आप फ्रीजर कहने ये फ्रोजन चीज़ा रख लें मैं स्टोर करके तो यह सैकेंड वाला खाना है तो यह थर्ड काफ़ी जगह फ्रिज के समान भी बहुत सारा आ जाता है
इतने फ्लैट के विच की जो वॉशिंग एरिया होंगे ना जी वो एक किचन के विच ही दिता होंगे। ए छोटे पोर्शन बना के ना इतने दीवार छोटिया जी तो विच ही ये वॉशिंग एरिया दे देंगे ने, इन्हू यूटिलिटी एरिया भी कहने। तो आ मेरी वॉशिंग मशीन है जो इतने रखी हुई है, मैं इतने टैप के नाल ही पाइप फिक्स की हुई है तो ये पानी भर जाता है तो असं कपड़े धो लें। तो यह दो डस्टबिन ने, एक विच सुक्का कूड़ा तो एक विच गिला कूड़ा पाई दा। तो मैं अपनी छोटी जी रसोई का जिस तरह मैनेज की है सारा तुहानू दिखाया है। तो मैं हजे तक ना रेसिपीज़ के वीडियो ही बनाए ने, तो अज पहली बार मैं किचन टूर का वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि तुहानू बहुत चंगा लग्या होगा, पसंद आया होएगा। तो जे पसंद आया है ना तो प्लीज़ मैनू कमेंट करके भी दस्यो, तो नाले जे कोई सजेशन सुझाव देना चाहते हो तो वह भी कमेंट करके दे सकते हो। सत श्री अकाल जी।